पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए के शर्मा जी, मतलब कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान सामने आया तो आज जवाबी तीर के साथ उतर गए आपके विधायक विश्वकन्या बता रहे हैं, क्या है इस पर जवाब आपका? जैसे को तैसा नहीं, ये वाली पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। चित्रा जी आपने अभी ही चलाया है कि हमारे, देखिए अभी अभी आपने अपने ही चैनल पे चलाया है, ऑलरेडी हमारी पार्टी की ओर से उस बयान का खंडन किया गया है, उस विधायक से बात की गई है, उससे कहा गया है कि इस तरह के बयान आने वाले समय पे नहीं हो, आपने स्वयं चलाया, हमने उसका तत्काल खंडन किया कि इस तरह का ना हमारा संस्कार होना चाहिए, ना संस्कार है, ना ऐसी भाषा में बोलनी चाहिए, ना बोलना है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कल जिस ढंग से खड़गे साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो कोई विधायक नहीं है चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, वो कई बार लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जिस ढंग के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री एक पद नहीं है, एक संस्था होती है, और उसमें जो कि एक विश्व के लोकप्रिय नेता है, उनके लिए किस तरह का एक सीरियल चला रहा है, मौत के सौदागर से चालू होता है, फिर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, ये भाषा शैली होगी, इस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से कांग्रेस करके, ये कांग्रेस के जो बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और खड़गे साहब को पहली बार नहीं बोल रहे, आपको गुजरात का चुनाव याद होगा, गुजरात के चुनाव में भी इन्होंने रावण कहा उनको, इस तरह से जो है आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकर आप मामला दर्ज करवाने चले जाते हैं। मैं पूछूंगी आलोक शर्मा जी से, नेता का अपमान करके विधायक को पार्टी से निकाले बीजेपी। मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूँ मात्र चित्रा जी, एक बात देखिए, ये भाषा शैली क्यों आई? कांग्रेस के आंकड़ों के कहने पर यह भाषा शैली बोली जाती है, और इसका एक और संदेश है कि अब गुजरात, वहां पर कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस पार्टी को हार साफ दिखाई दे रही है, हताशा, निराशा और बौखलाहट में उनसे शब्द निकलते हैं, बोल रहे हैं जो कि बीजेपी के विधायक किसके कहने पर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हटाए अपने विधायक को जिन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया है। नहीं, हमने तो तत्काल खंडन किया है, और ये भी कहा है कि ये शब्द क्यों किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, लेकिन खड़गे साहब और विधायक में बहुत अंतर है चित्रा जी। ठीक है, आलोक शर्मा जी, केके शर्मा जी की बात तो महत्वपूर्ण है ना, कि नेता वो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष है। ठीक है, अब ये बात तो सच है कि एक विधायक में और देश की विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो उनकी ओर से बयान दिया गया, इधर से भी बयान, लेकिन आज कांग्रेस पूरे अपने टीम के साथ आ गई है सामने, तो वैसा ही खड़गे जी के लिए भी लागू होता है कि उनकी ओर से मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया गया, और आदत क्यों पड़ गई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हर चुनाव में इस तरह का बयान? शुरुआत तो आप लोगों ने ही किया आलोक जी। हाँ बिल्कुल, सबने शुरुआत किया और कांग्रेस ने शुरुआत किया। एडीआर की रिपोर्ट कहती है मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद 600% इस तरह की बयानबाजी बड़ी है, और वो बयानबाजी मैक्सिमम बीजेपी की लीडर्स की है। अब आते हैं संस्कार शब्द इस्तेमाल किया के शर्मा जी ने, शुरू का रिपोर्ट है भैया, एडीआर की रिपोर्ट है, मैं नाम ले रहा हूँ, शुरूपनखा, खूनी पंजा, एडीआर में ये लिखा है, कांग्रेस की सुनिए ना जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिए, खूनी पंजा, नहीं आप ऐसा झूठ कल भी बोल चुके हैं और फंस चुके हैं। के शर्मा जी उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए। शुरूपनखा, खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शमशान कब्रिस्तान, 80-20, रामजादे हरामजादे, कपड़ों से पहचान लेते हैं, और तो और कांग्रेस अगर कर्नाटक में नहीं आई तो यहां दंगे हो जाएंगे। मतलब ये सब तो संस्कार की भाषा है, और ये तो हमारे बहुत बीजेपी के बहुत छोटे मोटे लीडर ने बोली है शब्दावली, क्या इनका भी कभी खंडन हुआ है? क्या कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजे का भी कभी खंडन हुआ है? शायद कभी नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कहे और वो तो विश्व गुरु हैं।